दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक इकरार यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताएंगे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं तो HDFC बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया होता है आपको PDF और आपको यहाँ पर PDF में आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इस PDF का पासवर्ड क्या होगा और कैसे ओपन होगा इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। पर आ जाना होगा आपको अपना जो भी अकाउंट का जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है आपको कुछ इस प्रकार से आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा स्टेटमेंट आपको जो भी मंथ का है और यहाँ पर जो भी मिनिमम पेमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दो मिनिमम पेमेंट 200 और यहाँ पर देख सकते हैं 1472 रुपये और ये डेट दिखाई दे रहा है। आप इस डेट के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा और नीचे आपको जाएंगे तो आपके जो भी है आपके नाम का यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पासवर्ड बनाया गया है। जो भी है आपको कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाया जाएगा आपके नाम का 4 लेटर कैपिटल में और आपका डेट ऑफ बर्थ आपका मंथ और आपका जो डेट तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं कि आपको डाउनलोड PDF पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे डाउनलोड PDF पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा तो जो भी आपका पासवर्ड है आपके नाम का 4 लेटर कैपिटल में आपका होना चाहिए और डेट जो भी है तारीख और यहाँ पर मंथ डालना होगा और ओपन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओपन पर आप क्लिक करेंगे आपके जो क्रेडिट कार्ड का जो भी है आपने अमाउंट यूज किया है कहाँ कहाँ पर आपने यूज किया है पूरा डिटेल आपको किस डेट में आपने यूज किया है पूरा डिटेल आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर जितना अमाउंट जब भी आपने यूज किया है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं और यहां पर टोटली अमाउंट जो भी है यहां पर देख सकते हैं 1472 रुपये हमको यहाँ पर 12 तारीख तक आपको जमा करना होगा। यहाँ पर आपका बिल जो है आपको 12 तारीख से पहले पहले आपको पेमेंट करना होगा आपके अपने क्रेडिट कार्ड का। और यहाँ पर जो भी है आपको यहाँ पर जो भी आपका लेट फीस है आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपने जो भी अमाउंट को आप पेमेंट नहीं टाइम से करते हैं तो आपके जो भी अमाउंट का जो भी चार्जेस लगेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी है पूरा डिटेल आपको बताया गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ है तो आपका जो भी स्टेटमेंट का PDF पासवर्ड जो भी है आपके नाम का 4 लेटर कैपिटल में और डेट और मंथ आपका पासवर्ड होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेक इकरार चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरह के सवाल या तो क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले ठीक है, बाय, थैंक यू।